संगीत शिरोमणि स्वामी हरिदास समिति के बैनर तले आयोजित स्वामी हरिदास संगीत और नृत्य महोत्सव में अद्भुत सुरताल की सरिता में श्रोताओं ने जमकर गोते लगाए। रमन रेती स्थित वन महाराज कॉलेज के वातावरण में सजे सांस्कृतिक मंच पर प्रख्यात शास्त्रीय संगीत गायिका सुनंदा शर्मा ने अपने साथी कलाकारों के साथ जैसे ही मंच संभाला। अनन्य नृपति रसिक संत स्वामी हरिदास जी महाराज के अवतरण दिवस पर आयोजित स्वामी हरिदास संगीत और नृत्य महोत्सव के दूसरे दिन सुप्रसिद्ध गायिका कविता सेठ के सूफियाना अंदाज ने श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। देर रात तक श्रोताओं ने संगीत साहित्य का जमकर लुत्फ उठाया। संगीत शिरोमणि स्वामी हरिदास समिति द्वारा आयोजित स्वामी हरिदास संगीत और नृत्य महोत्सव के दूसरे दिन का विधिवत शुभारंभ ब्रज के प्रमुख संत सियाराम बाबा और प्रसिद्ध संत मौनी बाबा ने स्वामी हरिदास जी के चित्रपट के समक्ष दीप प्रज्वलन और पुष्पांजलि अर्पित कर किया। स्वामी हरिदास जी के नृत्य एवं संगीत समारोह में मुझे आने का मौका मिला। गोपी भाई को धन्यवाद देना चाहूँगा कि विगत वर्षों की बात पुनः इस वर्ष भी उन्होंने स्वामी हरिदास संगीत एवं नृत्य समारोह रखा है, जिसमें देश के प्रख्यात कवि लोग भी आए हुए हैं और संगीतज्ञ और गीतकार गायक हैं। जिस तरह से करके हम अपना शास्त्रीय संगीत को अक्षुण बनाने का काम कर रहे हैं। मैंने कहा जो जात वर्ग क्षेत्र धर्म अपने पुरखों का सम्मान नहीं करता वो आगे नहीं बढ़ता। पुरखे ऐसे हों जिनके जिन्होंने अपने संगीत से बिहारी जी को प्राकट्य कर दिया हो। तानसेन जैसे महान गायक उनके शिष्य अकबर के दरबार में बुलाने पर जो ना गए हों, और सबसे बड़ी बात है कि वो ऐसी रचनाएं उनकी हैं राधा कृष्ण को लेकर के जो हमारे लिए एक अमूल्य साहित्य के रूप में वृक्ष के रूप में वो अक्षुण रहे। मंत्री, अगर माने यूथ के लिए ये प्रोग्राम था और आजकल युवा संगीत को भूलकर नई दुनिया में जा रहे हैं, परंतु ये कितना युवाओं के लिए? हमें अपनी लोक भाषा, लोक भोजन, लोक भूषा, लोक गीत, लोक संगीत, लोक कला, लोक नृत्य, इनको अक्षुण बना के रखना है। पश्चिम की सभ्यता तेजी के साथ इंटरनेट के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, फिल्मों के माध्यम से हमारे घर में आ रही है, तो हमें इसका पूरा प्रभाव पड़ता है। अगर कोई 10 साल का बच्चा शास्त्रीय संगीत सुन रहा है तो 50 साल शास्त्रीय संगीत का भविष्य और हो गया। बहुत सारे हमले हुए हमारी सभ्यता, संस्कृति, धर्म, अध्यात्म, गीता पुराण, महाभारत पर, लेकिन वो अक्षुण है, अक्षुण रहेगा। जैसे सर आज राधाअष्टमी का पर्व है और मोदी जी ने जो है महिला आरक्षण किया है, और जी आज कार्यक्रम हुआ, कौन कौन थे और क्या प्रोग्राम था? आज कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ क्योंकि राधाअष्टमी के शुभ अवसर पर आयोजित माने स्वामी हरिदास संगीत नृत्य महोत्सव का आज प्रथम दिन था। उत्तर भारत के सबसे बड़े संत काशिणी गुरु शरणानंद जी महाराज के कर कमलों के द्वारा इस कार्यक्रम का उद्घाटन हुआ, दीप प्रज्वलित हुआ, और हमारे आगरा परिक्षेत्र के आईजी, मथुरा के एसएसपी, पूर्व विधायक प्रदीप माथुर जी, भाजपा के राष्ट्रीय सचिव मेनन जी और भाजपा के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष खंडेलवाल जी और हमारे मथुरा नगर के प्रथम व्यक्ति मेयर विनोद अग्रवाल जी के कर कमलों द्वारा आज प्रज्वलित हुआ। आज के कार्यक्रम में सबसे पहले प्रस्तुति बनारस घराने की नृत्यांगना प्राची साहा, जो कि एक फिल्म अभिनेत्री भी हैं, उन्होंने बहुत सुंदर जयपुर घराने की ठुमरियों पर प्रस्तुति दी। दूसरा कार्यक्रम बनारस घराने की सुविख्यात गायिका गिरिजा देवी की शिष्या सुनंदा जी ने, जो बनारस की कजरी और ठुमरी गा के जो ब्रजवासियों को अचंभित किया, वो बहुत मधुर संगीत था, सुनने लायक था। उसके बाद पूना से विजय घाटे जी, जो कि भारत के चतुर्थ सबसे सर्वोच्च सम्मान पद्मश्री से सुशोभित हैं, उन्होंने अपनी टीम के द्वारा तालवाद्य कचहरी का सुंदर आयोजन किया। उसमें प्रमुख नृत्यांगना ने नृत्य के साथ तबले की थापों को सुना और जनता ने तबला और पखावज की जुगलबंदी देखी, जो कि गायन के साथ एक अद्भुत नज़ारा था।